हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इट्स आ डे टू एंड इट्स अराउंड 12 o'clock। रात को सोते होते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो वी आर प्लानिंग टू डू आर ब्रंच समवेयर एल्स। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम अभी पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा अच्छा कैफ़े है या कहीं खाने की जगह, बिकॉज आज होटल में थोड़ा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी हम बाहर ही खाने जाएंगे। तो अभी देखते हैं हम कौन सी जगह जाते हैं। टिल दैट वी आर गोइंग टू फ्रेशन अप, सो मीट यू देयर ओनली। लिसन द एग्जॉस्ट साउंड, लिटरली आई एम इन लव विद दीज एग्जॉस्ट। सो गाइस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुस्टैश कैफे। वन ऑफ आर राइडर टोल्ड अस अबाउट दिस कैफे, एंड गाइस ऑनेस्टली टेलिंग दैट एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, बिकॉज हमारे जो गौरव जी, उन्होंने एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई कर दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। क्या खाओगे बताओ? देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बारिश भी हो रही है और मतलब पूरा सीन सेट हो गया है यहाँ पे, मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है। इतना अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी है इधर। सवाल से अच्छा होगा तुम देखना, एक दिन मेरा जनाजा भी तुम्हारी बारात से अच्छा होगा। क्या बात है, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। फाइनली वी आर डन विद आवर फूड। तो गौरव जी, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? अब हम जाएंगे रामगंगा रिवर बैंक पे। अच्छा, विच इज अराउंड 30 किलोमीटर अराउंड फ्रॉम हेयर, एंड इट्स अ वंडरफुल ड्राइव, यू विल डेफिनेटली लव इट। चलो चलते हैं, लेट्स गो। कहने से वाटर क्रॉसिंग देखनी चाहिए ये भी। नीचे का शॉट भी देखिए। बाढ़ आ गई, उधर निकाल निकाल उसे कवर कर। अरे आ जाओ सारे, यार ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए आप भाव कितना तेज है यहाँ पे, वहां से ऊपर से पानी आ रहा है वहां पे। अभी यहाँ पे लंबा जाम लग चुका है।
मतलब क्या ही हरकतें कर रहे हैं यार ये लोग। अभी भी पार कर ही रहे ऐसे। एंड प्लीज आप ऐसी बेवकूफ़ी कभी ना करें। नाउ दिस ट्रक इज ऑल्सो गोइंग टू क्रॉस दिस, सो लेट्स होप कि ये अच्छे से पहुंच जाए। वैसे तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, बट अब जा रहे हैं तो अच्छे से पहुंच जाए। एंड वहाँ पे पुलिस वाले इनको मना कर रहे हैं, बट ये एक भी नहीं सुन रहे उनकी। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सारे बोल रहे हैं जाने के लिए, अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट समझते नहीं एक टाइम को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे एक पर्सन सारी वो जो भी ऑब्स्टिकल्स है बीच में उन सबको हटा रहा है। बहुत रिस्की काम है ये भी, बट सब निकल जाए उसके लिए आदमी ऐसा कर रहा है। यहाँ पे अभी क्रेन आई है एंड वो सारे ऑब्स्टिकल्स बीच में हटा रही है, जो भी पत्थर वगैरह हैं बड़े बड़े उन सबको हटा रही है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आ रखे हैं। एंड फाइनली अब रास्ता क्लियर हो चुका है एंड सारे जा रहे हैं। एंड टाइम इज़ ऑल अराउंड 8 o'clock, तो काफ़ी ज़्यादा हम थक भी गए हैं। उम्मीद मिली है रास्ता खुलने की, तो अब हम यहाँ से सीधा रिजॉर्ट पे जाके सो जाएंगे। एंड हमें सुबह निकलना भी है, तो लेट्स होप हम अच्छे से पहुँच जाएँ। एंड इन सब में बस एक चीज़ अच्छी हुई कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा। जो भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट थे उनमें से भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, लोगों ने पार भी कर लिया आराम से, तो भगवान का शुक्र है कि अभी किसी को कुछ हुआ नहीं। एंड अब कार्स जा रही हैं ट्रक के बाद। गाइस सी स्टूपिडिटी एट इट्स बेस्ट, फंस गया ये भी, सबर नहीं है थोड़े देर का भी। यार KTM हो चाहे कोई भी हो ना, अब भाई अकेला ही फंसा हुआ है, मतलब कोई सेंस नहीं होता। घुस जाओ, दो आदमी बचाने आएंगे, रिस्क लो, थोड़ी देर का सफ़र कर लो। तो गाइज यार आपसे क्या झूठ बोलूँ, मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा था। तो मैं तो मैंने एक ट्रक वाले को बोल दिया कि भाई मुझे उधर उधर छोड़ दे, तो भाई मुझे अभी वो उधर छोड़ रहा है। मैं तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था क्रॉस करने में। सो नाउ फाइनली इट्स अराउंड 9
PM and we are heading towards our resort. काफ़ी डरावना रास्ता लग रहा है मुझे तो, सही में आज बहुत डर लग रहा है, कहीं भूत भूत ही ना आ जाए सामने से. Finally guys, we are back at our resorts. सबसे अच्छी बात ये है कि हम सेफली पहुंच गए हैं. जो भी हुआ मतलब ये तो पहाड़ों में होता ही रहता है, बट पहली बार देखने को मिला तो एक न्यू एक्सपीरियंस था. बट खुशी इस बात की यही है कि हमारे में से किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा और जो वहां पे लोग प्रेजेंट है उनको भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा. तो बस यही चाहिए और क्या, ये एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं. बाकी सब बढ़िया था. मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ यही एंड. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय.